हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी परिवार के अंदर ये खबर पहली बार आती है कि उनकी होने वाली बहू या फिर पत्नी माँ बनने वाली है और गर्भवती है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ बैठकर ये डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि हमें घर की कोई भी परेशानी उस लेडी पर नहीं डालनी है जो कि गर्भवती है, फिर चाहे वो आपकी बहू हो, भाभी हो या फिर पत्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि गर्भवती महिला को कूल कूल माहौल बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसे इस चीज की जरूरत भी होती है। गर्भावस्था के दौरान अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो न केवल उसका शरीर कमजोर पड़ेगा बल्कि बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए माहौल को कूल और लाइट कैसे बनाना है और क्यों कहा जाता है कि गर्भवती महिला के लिए कूल माहौल ही सबसे ज्यादा अच्छा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। आपने अक्सर देखा होगा कि कूल माहौल का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि वो गर्भवती महिला को तनाव से दूर रखें। कूल माहौल का मतलब होता है कि गर्भवती महिला को ज्यादा गर्मी का एहसास ना हो। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उनका शरीर गर्मी के तापमान को झेल भी नहीं पाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यदि गर्भवती महिला के अंदर एक जान पल रही है तो वो ऑलरेडी पेट की गर्मी के अंदर होती है। अगर बाहर का क्लाइमेट और तापमान भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये मिसकैरेज का खतरा बढ़ा सकते हैं। एक शोध से बात सामने आई है कि जब भी गर्भवती महिला ज्यादातर गर्मी का एहसास करती है, धूप में ज्यादा काम करती है या फिर गर्मी होने की वजह से सही तरीके से माहौल को और अपने रूम को एसी चलाकर, पंखा चलाकर या फिर कूलर चलाकर ठंडा नहीं कर पाती है, तो ऐसा करने से शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता है ये हमारी पेट की गर्मी को बढ़ाता चला जाता है और जब भी हमारे पेट के अंदर गर्मी बढ़ती है तो ये हमारे मिसकैरेज का कारण बन जाती है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका बच्चा स्वस्थ रहे और डिलीवरी के टाइम पर आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके तो क्लाइमेट पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अपने तनाव को दूर रखिए, अच्छा आहार का सेवन करिए, योगासन करिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, डॉक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा बार जाकर हमेशा अपना चेकअप सही समय पर कराइए, दवाइयों का समय समय पर इस्तेमाल कीजिए, कोई भी परेशानी हो तो बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और स्पेशली अपने घर के अंदर कूलिंग हमेशा रखिए। कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एसी को कुछ ज्यादा ही कम टेम्परेचर करके झेले, आप टेम्परेचर को सेट करके रखिए ताकि आपके शरीर के अंदर ज्यादा गर्मी प्रवेश ना करे। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।